है। दो या तीन फ्राइडे पहले बैन अर्नर सिंह ने कहा कि ये मेरी तरफ से जो है आप ब्रॉडकास्ट करें, $20 उन्होंने दिए कि आप मेरी तरफ से अगर हर एक हफ्ते का हम डिसाइड कर ले कि इस फ्राइडे मैं दूंगी, इस फ्राइडे मैं दूंगा, और अगर फ़र्ज़ की आप देते हैं तो उस खिदमत में आपका ही उतना हाथ है, आप उस इलाके में कलाम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो आपके $20 से उस इलाके में उस मुल्क में कलाम पहुंचा है। तो इस तरह से कलाम कहता है कि जब तक कलाम दुनिया के कोने कोने तक ना फैल जाए उस वक़्त तक मेरा आना नामुमकिन है। अगर आप खुदा की बादशाही को ज़मीन पर लाना चाहते हैं तो फिर हम कलाम की मुनादी करें। ईद 35 का मैसेज मैं यहाँ भी दूंगा तो फिर उसमें मैं खुलकर वजाहत से मैसेज दूंगा। आज मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लेना चाहता। खुदामंद खुदा ये चाहता है कि आज जो हमने कलाम सुना है, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूँ सवाए अपने खुदामंद यीशु मसीह की सलीब के। यानी ऐसा लगता है कि पालूस रसूल जिधर भी देखता है उसे सलीब नज़र आती है, वो मशरक देखता है सलीब नज़र आती है, जब वो मगरब देखता है उसको सलीब नज़र आती है, जब वो ईस्ट देखता है उसे सलीब नज़र आती है, जब वो नॉर्थ देखता है उसे सलीब नज़र आती है, जब वो सुबह उठता है उसको सलीब नज़र आती है, जब वो रात के पहरों में सोता है उसको सलीब नज़र आती है। यानी सलीब का पैगाम उसके जिस्म में क्या है, रस बस गया है, और सलीब ने उसे वो कुछ बना दिया जिसमें हम देखते हैं कि नए ऐदनामे का वो हीरो है। 27 किताबों में से नए ऐदनामे की 14 किताबों का वो जो है कातब है, लिखने वाला है। उसने लिखा, जहाँ गया उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में जाके कलाम सुनाया। ऐसे ना खुशगवार इलाकों में वो सर्दी गर्मी को उसने देखा, और पहाड़ों को चीरता हुआ, दरियाओं को चीरता हुआ, दुनिया में जितने भी शिगिर्द हैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला पौलुस रसूल है। उसने सबसे ज़्यादा खिदमत की, उसने सबसे ज़्यादा कलाम सुनाया, उसने सबसे ज़्यादा कलीसियाएँ कायम की, उसके वसीला से खुदा खास खास मौजज़े करता था। जब वो बीमारों पे हाथ रखता था अंधे ठीक हो जाते थे, लंगड़े वल हो जाते थे, और जो है उसके रुमाल को लोग छुआ के चले जाते तो उस रुमाल से जाके बीमारों पर डालते, क्योंकि वो मसा पालूस का उस रुमाल में चला जाता, और उसके साथ जिस बीमार पर जाके डालते वो बीमार क्या हो जाता, शफा पा जाता, खुदामंद खुदा शफा पा जाता। और जिस दिन हम ईद 35 की इबादत रखेंगे तो आप भी ज़रूर अपना एक साफ सुथरा धुला हुआ रुमाल हैंकर चीफ अपने साथ लेके आए, और मुझे पाखरू ने ये कहा है कि मैं उसको ब्लेस करूँगा, और जब आप बीमारों पर डालेंगे तो बीमार वहाँ पर शफा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, 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 हालेलुया, जोरदार तालियां, प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदावंद उतरा हुआ है, खुदा का पाक रूह आप लोगों को छू रहा है, ओ हालेलुया, प्रेज जीसस, हेवन इज ओपन, हेवन इज ओपन, हालेलुया, हालेलुया। इसी मसा में हम खड़े हो जाएं।